हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार जाने वाला है ये व्लॉग। सो मैं नहा चुकी हूँ, दिख ही रहा है, रेडी भी हो चुकी हूँ। मैंने डाला है फ्रॉक, ठीक है, तो कितन के हिसाब से ही रेडी हुई। मैं साड़ी भी लेके आई थी, बट अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, इस वजह से मैंने फ्रॉक डाल लिया, ठीक है। और कब से लगी हुई मैं, 2 बजे से प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ, बैलून फुलाने में और सब कुछ, गद्दे वद्दे डालने में, सारी प्रिपरेशन करने में। और हालांकि सब लगे हुए हैं, भाभी प्रसाद रेडी कर रही है, और मेरी सारी सारी नहीं, कुछ कुछ रिलेटिव्स आ चुके हैं। तो ये है हमारा घर, जस्ट बिल्कुल गेट खुलते ही सामने दरबार लगाया है, और इधर प्रिपरेशन हो चुकी है। कल यहाँ पे टेंट लगेगा, ये जो बैम्बू जो है ये गाड़ दिए हैं ज़मीन में, ठीक है। और गद्दे वद्दे सब मैंने डाल दिए थे, पहले ही सब बिछा दिया था। यहाँ पे स्पीकर लगाए हुए हैं, ऐसे ही जब तक कीर्तन वाली नहीं आती ना, तब तक यही बजा रहे थे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे जो बड़ी बूढ़ी लेडीज आएंगी उनके लिए सेती बिछाई हुई है, इधर डाली हुई है। और ये लीजिए, हमारे दर्शन कर लीजिए श्याम बाबा के, आज इन्हीं का कीर्तन होने जा रहा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ठीक है। तो ऐसे कुछ मतलब और कहीं जगह नहीं थी, तो मम्मी ने यहीं पे बोला करने को, तो मैंने उसी हिसाब से थोड़ी बहुत डेकोरेशन करी है। और ये वाला बैलून मुझे नहीं पता किसने चिपकाया वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, ठीक है। वो साइड में जो ढका हुआ है वो प्रसाद है स्टूल के ऊपर, और थाली मैंने अभी डेकोरेट करी नहीं है, मीन्स अभी साथिया बनाया है इसमें, जो कहते पूजा होती है ना दीपक की, दीपक बना दिया है मैंने इधर, ठीक है। और ये रख देते हैं इधर बांधने के लिए सबको, ये दूर, ठीक है, ये सिंदूर सबके लिए, जो मतलब जिसको चाहिएगा वो रख देते हैं। और ये फ्लावर्स सारे भगवान जी को चढ़ाने के लिए रख देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये रसगुल्ले आए थे प्रसाद के लिए, और ये बूंदी आई थी, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी जिनकी मम्मी सेवा करती है, ठीक है। और सारी प्रिपरेशन होगी, बस कीर्तन वाली आ जाए जल्दी से, ठीक है। तो चलिए, डेकोरेशन ऑल कंप्लीट, अब मैं आपको जो आए हुए हैं मेहमान उनसे मिलवा देती हूँ फटाफट। कुछ लेडीज आई और कुछ घर की है, और अभी हमारी मेन कीर्तन वाली नहीं आई है, कीर्तन मंडली। तो भैया और भाभी अभी जोत जला रहे हैं, क्योंकि टाइम काफी हो गया है, ठीक है। जलाओ भाई, जोत जलाओ। विशु फाइनली आ गई, अब उनको बहुत सुनाया जा रहा है, ढोलक है उनके बैग में। बोलो श्याम बाबा की जय हो, हारे के सहारे की जय हो। और ये भोग लगा रहे हैं हमारे छोटे कन्हैया जी, तिलक कर देना नितेश, छोटा सा बेटा भगवान जी का शुक्रिया अदा कर रहा है ना। और ये कल इसी का बर्थडे है, मेरे रसमलाई का, है ना विशु, हैप्पी बर्थडे है। Thank you.
प्रसाद यही बांट रही है, हाँ, जो यही पैकेट बना रही है, ठीक है, तो कम पड़ रहे हैं तो भाभी और पैकेट बना रही है इधर बैठ के। सेठ जी आने, वीडियो में आना है, वीडियो में आना है, हेलो बोलो फिर, हेलो हेलो हाँ, ये देखता ही अभी अभी वीडियो देख के आया, कौन सी वाली? वो आप एयरपोर्ट से आ रहे होते जब, सरप्राइज वाली। और तुमने? इसमें कुछ नहीं देखे, एक भी वीडियो नहीं देखा। ये बच्चा पार्टी है, भाभी के पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं सारे, और ये सारे मेरी वीडियो देखते हैं ना। यस। चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है? और अभी बोलो कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। हाँ, और प्रसाद किस किस ने लिया है? अच्छा, जो जो आज डांस करेगा ना कीर्तन में, उसी को मिलेगा। Oh,
अभी रात के 11:30 बजे हुए हैं और बुआ ने भी गीत एक काइंड ऑफ कहते हैं ना गीत गाते हैं, मीन्स जो बुआ होती है वो अपने भतीजे के लिए गीत गाती है, सब कुछ होता है बहुत सारी लेडीज़ को बुला के। तो यहाँ पे अभी सारे बैठे हैं, मैं दूध पी रही हूँ, आपने देख रखी होगी मेरी शक्ल क्योंकि कल की पूरी रात चली गया, इसका पूरा दिन चला गया। बस थोड़ी देर के लिए मैंने चुपकी ली थी, पूरे गंदी हालत हो पड़ी है बिल्कुल। जब तक उन्होंने गीत गाए तब तक मैं थोड़ी देर के लिए बस एक बार आँख लग रही थी, फिर आँख खुल रही थी क्योंकि चीकू खेल रहा था फूफा जी के साथ। क्योंकि अभी यहाँ पे सारे मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो आए हुए हैं वो रुके हुए हैं, तो बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कैसे पड़े हुए हैं सब। वो देखो चीकू खेल रहा है, भैया कैसे लेटे हुए हैं, वो मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, पीछे टमाटर रखे हुए हैं, हलवाइयों का सामान जो कल बनेगा खाना। ये मेरी सबसे बड़ी वाली मौसी है, ये मेरी बुआ है, और वो सामने बैठे हो मेरे फूफा जी हैं, और वो लेटी वो मेरी ताई है। तो फूफा जी कुछ किस्से सुना रहे हैं हमें, किस्से फूफा जी किसका किस्सा सुना रहे हो? यू कैन नाउ बिनूनी। ये मौसी है, मौसी मेरी सबसे बड़ी वाली मौसी। हाय बोल मौसी, हाय, हेलो बोल दे, हेलो। ये मेरी सबसे बड़ी मौसी है और दूसरे नंबर वाली अभी सो रही है, उनसे मिलवाऊंगी। और फिर आप बताना, तीनों मेरी जो मम्मी और दो मेरी मौसियां हैं उनकी शक्ल देख के बताना कि वो लगती हैं तीनों। और अभी भाभी जो भैया बैठे हैं उनकी वाइफ अंदर सो रही है, उनका बेटा सो गया है, ठीक है, मौसी सो गई अंदर। भाजी अपनी सालियों के प्रति कुछ बोल रहे हैं, सालियों को लेके मजाक कर रहे हैं। चाय पार्टी, टी टाइम एट 12:00, सारे चाय पीने। मम्मी मौसी कोई कैसे कही ने बाण बाण देखे माँ के पाले जी माँ की सुन ना, ये दूसरी माँ की है ना, बहुत फर्क है। और मौसी रोशन मौसी तो बिल्कुल मम्मी की कॉपी है, रोशन मौसी। ये मेरी अंगूरी मौसी, वो मेरी मम्मी, और एक रोशन मौसी है ना, रोशन मौसी और मम्मी एक सेम है, और ये हमारी सुंदर वाली मौसी है सबसे सुंदर। ये मेरी ताई रोशनी, जिसको मैं ताई नहीं बोलती, इसको रोशनी बोलती मैं, रोशनी। ये मेरी रोशनी फ्रेंड है और मम्मी की भी फ्रेंड है ना ताई, है ना। ये मम्मी की जिठानी है, लेकिन जिठानी कम फ्रेंड ज्यादा सहेली है ना ताई। और बस खुश हो रही है, दो जिसम में एक जान। ये मम्मी और इनकी फोटो देख लोगे ना, देवरानी जिठानी की, नितेश जवान थे जब टाइम पे, बिल्कुल सगी बहन एक जैसी, बिल्कुल वैसी है। इनकी फोटो देखना तुम, यहाँ का डिपार्टमेंट खाली हो गया जेंट्स वाला। और फूफा जी का मन नहीं लग रहा कि सारे उठ के चले गए, सारा लेडीज डिपार्टमेंट, क्योंकि सारी फूफा जी की सालियां होगी ना इधर, मौसी भी और मेरी ताई जी। ये आ गए इधर लेडी, फूफा जी मिस कर रहे हैं, फूफा मिस कर रहा था उन्हें, सारे उनका पानी गिरा उनके ऊपर। तो उठ के चले गए, मका फूफा मां भाजी आप उधर जाके बैठ जाओ, उनका ना ना पानी गिरा सारे। और ये मेरी रोशन वाली मौसी जो मम्मी की कॉपी है बिल्कुल, ये मेरी मम्मी कॉपी। अंगूरी मौसी तो मिलवा दिया मैंने, तू रह रही थी, अंगूरी मौसी तो मिलवा दिया मैंने सबकी वीडियो में। देखो पाचे मेरी सुंदर वाली मौसी, सॉरी ये मेरी बुआ, देख कैसे देखा, बुआ नींद नहीं आ रही, सो जा। मैं ये भी सुंदर वाली मौसी लाई थी हमारी, पकड़ पकड़ दोनों बना की।
आई चार कर सुंदर आई मस्त बाबू पानू।